एपिसोड की शुरुआत होती है एक लिटिल टॉल नाम के आइलैंड से, जहां पर मार्था नाम की एक बुजुर्ग लेडी अपने घर पर बैठ के चाय पीते हुए टीवी न्यूज देख रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो एक आदमी नेम एंड्रे उन्हें जान से मारकर उनके घर में घुस जाता है। और फिर सीन माइक की तरफ शिफ्ट होती है जो एक दुकान का मालिक होता है और उसके साथ वो उस आइलैंड का कांस्टेबल भी होता है। अब जब वो अपनी दुकान में काम कर रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी मॉली का फोन आता है जो उसे घर आने के लिए कहती है, क्योंकि एक छोटी बच्ची नेम पीपा उसका सिर सीढ़ियों के रेलिंग में फंस गया था। अब इसके बाद हम माइक को उस बच्ची के पिता एल्टन के घर आते देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि माइक और उसकी पत्नी मिलकर डे केयर चलाते हैं। अब घर पहुंचकर माइक पीपा का सिर रेलिंग से निकाल देता है, जिसके बाद माइक और एल्टन दोनों काम पर लौट जाते हैं। अब उसके बाद हम डेवी नामक एक लड़के को देखते हैं जो मार्था से मिलने के लिए उनके घर आता है। वो मार्था को कई बार आवाज़ भी लगाता है पर कोई जवाब ना आने पर जब वो घर में चारों तरफ देखता है तो उसे एक कमरे में उनकी लाश मिलती है, जिसके बाद उसे किसी की पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे जाके देखने पर डेविड एकदम घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और रास्ते पे आकर चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगता है। अब डेवी को ऐसे चिल्लाता देख उस आइलैंड के सरपंच मिस्टर रॉबी उसके इस तरह से चिल्लाने का कारण पूछते हैं, जिस पर डेवी उन्हें मार्था के हत्या के बारे में खबर कर देता है, जो जानकर मिस्टर रॉबी मार्था के घर निकल जाते हैं। अब उनके मार्था के घर आने के बाद वो भी मार्था को घर में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और फिर उन्हें एक कमरे में मार्था दिखाई देती है, जिसकी ऐसी हालत देख वो सीधे हॉल की तरफ बढ़ते हैं जहां एंड्रे बैठा था। मिस्टर रॉबी अब उससे सवाल करते हैं कि वो कौन है, पर इसका उल्टा ही एंड्रे उन्हें उनकी माँ की मौत के बारे में कुछ बातें बताकर एकदम से डरा देता है, जिससे घबरा कर मिस्टर रॉबी भाग कर माइक से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइक उस शहर का कांस्टेबल होता है। अब दो तीन बार कोशिश करने के बाद उसकी बात माइक से हो जाती है, जिस पर वो माइक को तुरंत ही मार्था के घर पर आने को कहते हैं और उसे एंड्रे के बारे में भी बताते हैं, जिस पर फिर माइक बंदूक लेकर अपने एक और साथी के साथ मार्था के घर की तरफ निकल जाता है। अब मार्था के घर में प्रवेश करने पर वो लोग भी मार्था की हालत देख कर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एंड्रे मिल जाता है, पर अनजान कारण से वो उन लोगों को कुछ नहीं करता और फिर माइक एंड्रे को हिरासत में लेकर जेल की तरफ निकल जाता है। अब हम मॉली को देखते हैं, जिसे माइक की दुकान पर काम करने वाली एक लड़की कॉल करके बता देती है कि टाउन में मिसिस मार्था का खून हो गया है और माइक उन्हीं खूनी को पकड़ने मार्था के घर आया है, जो जानकर मॉली माइक के लिए चिंतित हो जाती है, इसलिए तुरंत अपने बेटे रैल्फिन को लेकर दुकान के लिए निकल पड़ती है। वहीं हम माइक को देखते हैं जो अपने साथी और एंड्रे को लेकर जेल में पहुंच जाता है और फिर वो एंड्रे को जीप से निकालकर जेल के दरवाजे तक ले जाता है, जहां माइक का साथी चाबी से गेट पर लगे ताले को खोलने की कोशिश करता है और उसी वक्त एंड्रे भी चाबी को घूर रहा होता है, जिससे रहस्यमय कारण से चाबी टूट जाती है और एंड्रे को ऐसा करता देख माइक भी देख लेता है। अब ताला ना खुलने की वजह से माइक अपने साथी को कहता है कि तुम पीछे से अंदर जाकर इसे खोलने की कोशिश करो, जिस पर उसका साथी ऐसा ही करता है पर तब भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता, जिसके बाद अब ना चाहते हुए भी माइक को एंड्रे को अपनी दुकान में बनी एक जेल में ले जाना पड़ता है। अब जब माइक एंड्रे को दुकान में खड़े लोगों के बीच में ले जा रहा होता है, तब एंड्रे वहाँ खड़े लोगों को उनके गलत कामों के बारे में रिवील करने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि एंड्रे कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि उसे सबके बारे में सब कुछ पता होता है और वहीं उसके दांत भी किसी जानवर जैसे होते हैं। और अब जब एंड्रे आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने माइक का बेटा रैल्फिन आ जाता है, जिसे वो गोदी में उठाकर एक किस करता है, जिस बात से माइक को गुस्सा आ जाता है और फिर वो एंड्रे से रैल्फिन को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर एंड्रे उसे छोड़ देता है।
अब जेल में पहुंचकर पहले तो माइक एंड्री की तलाशी लेता है और फिर उससे कई सवाल करने लगता है जिनका जवाब एंड्री नहीं देता। अब क्योंकि एंड्री उसकी पूछे सवालों का जवाब नहीं देता और उसने माइक के बेटे को गोदी में लेके उसे किस भी किया था, इस गुस्से में वो एंड्रे को पकड़कर मारने लगता है, जिस पर दूसरा ऑफिसर उसे शांत करवाकर एंड्रे को जेल में डालकर वहां से चला जाता है। अब उसके बाद माइक दुकान में आकर सब लोगों को शांत करवाता है और रात के समय पहरेदारी करने के लिए वो वहीं खड़े कुछ आदमियों को कहता है, जिसके बाद हम रात के समय एल्टन और पीटर को जेल में पहरेदारी करते देखते हैं। वहीं अब बाहर जोरों की हवा चलने लगती है और एक पेड़ बिजली के खंभे पर गिर जाती है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है। उसके बाद हम माइक को देखते हैं जो मार्था के घर जाकर सबूत के लिए फोटो खींच रहा होता है और तभी उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि एक दीवार पर उसे कुछ लिखा हुआ मिलता है। लेकिन जब माइक उसकी तस्वीर लेने के लिए कैमरा उठाता है तो उस दीवार पर कुछ भी नहीं लिखा होता, जिसे देखकर माइक काफी हैरान हो जाता है। अब यहाँ से सीन जेल की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ हम पीटर को अजीब तरीके से पेपर पर कुछ लिखता हुआ देखते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि पीटर को एंड्रे ने दरअसल अपने वश में कर लिया है और वहीं बाहर बहुत बड़ा तूफान शुरू हो रहा है और समुद्र में भी विशाल लहरें उठ रही हैं। अब तूफान के कारण हम शहर के सब लोगों को एक इमरजेंसी हॉल में इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम जेल में एल्टन को देखते हैं जो कॉफ़ी लेने के लिए जाता है और उसी वक्त एंड्रे कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे एंड्री की छड़ी वहां हवा में तैरने लगती है, जिसके ऊपर चांदी से वुल्फ का मुंह बना होता है और पीटर उस छड़ी को घूरने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर जो एंड्री के वश में था वो एक कबर्ड में से रस्सी निकालकर अपने आप को फांसी लगा लेता है और उसके लाश के करीब एक नोट भी होता है जिस पर एक अजीब और डरावना संदेश लिखा होता है। अब उसके बाद हम फायर डिपार्टमेंट में एक फायर फाइटर को भी पोजेस्ट हालत में देखते हैं, जिसे हम दीवार पर वही संदेश लिखते हुए देखते हैं, जो लिखने के बाद वो एक कुलाड़ी से खुद की जान ले लेता है। और इन सब के दौरान हम एंड्रो को जेल में मंत्र पढ़ते हुए देखते हैं और उसकी आंखें भी अब डरावनी तरीके से चमक रही होती है। वहीं अब जब एल्टन कॉफ़ी लेकर वापस आता है तो वो पीटर को मरा हुआ देखता है और इसी के साथ इस सीरीज़ का पहला एपिसोड यहीं अंत हो जाता है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही, आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।